रादौर में हरियाणा हेल्थ केयर वर्कर बोर्ड के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर ऋषिपाल सैनी के ऑफिस में पहुंचे कुरुक्षेत्र सांसद नयाब सिंह सैनी ने पत्रकारों से बातचीत की। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में सांसद सैनी ने सबसे पहले कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के उस ट्वीट पर टिप्पणी करते हुए कहा जिसमें उन्होंने धरना दे रहे भाजपा नेताओं पर तंज कसा था। उन्होंने कहा कि सुरजेवाला पर भी अब राहुल गांधी की झूठ बोलने की आदतों का असर दिखने लगा है, तभी तो कांग्रेस नेता वास्तविक स्थिति जांचे ही राजनीति चमकाने के लिए झूठे ट्वीट कर कोरोना महामारी पर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि बंगाल में हार का कारण किसान आंदोलन बिल्कुल भी नहीं रहा, बल्कि अब तो बीजेपी को पहले से ज्यादा बहुमत बंगाल में मिला है, लेकिन अब टीएमसी की सरकार में वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, इसलिए हम राष्ट्रपति महोदय से बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते हैं। कांग्रेस के अंदर वो नेता है, उनकी छवि धूमिल होती है इस प्रकार की झूठी अफवाहें फैलाने में, परंतु क्योंकि सुरजेवाला साहब भी क्या करें, जब राहुल गांधी साहब झूठ बोलते हैं तो वो तो लगातार उसके पदचिन्हों के ऊपर चल रहे हैं, वो तो झूठ बोलने में माहिर हो गए हैं। देखिए, वहाँ पर कोई किसान आंदोलन का असर नहीं पड़ा है, क्योंकि हम तो कभी पश्चिम बंगाल में सत्ता में नहीं रहे, पिछली बार भी हमारी 3 सीटें आई हैं और अब की बार वहाँ के लोगों ने बहुत बड़ा मैंडेट वो भारतीय जनता पार्टी को दिया है। वहाँ के कार्यकर्ताओं को मैं शाबाशी देना चाहूँगा कि 3 से उन्होंने 77 सीटें की हैं, और जो टीएमसी वहाँ पर सत्ता दल के अंदर थी, मात्र टीएमसी से 28 लाख वोटें हमें कम मिली हैं, मात्र 28 लाख वोटें। अगर 28 लाख वोटें हमें मिल जाती तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पर होती, किसान आंदोलन का इस प्रकार का कोई वहाँ पर असर नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसी सरकार, क्योंकि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर ममता बनर्जी वहाँ की मुख्यमंत्री के बस में नहीं रहा है, आज ये देखते हुए कि जब लोग सुरक्षित नहीं हैं, लोगों के ऊपर वहाँ से जिन लोगों ने वोट दिया है वो लोग वहाँ पर अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उनके अंदर भय का वातावरण है, तो ऐसी सरकार को बर्खास्त करके वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, ताकि लोगों के अंदर जो भय उत्पन्न हुआ है उस भय से वो बाहर निकल सके और लोगों को राहत मिल सके, ये हम मांग करते हैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय से। वहीं सांसद ने इनेलो नेता अभय चौटाला के उस बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं देने में प्रदेश सरकार को फेल बताया था। उस पर जवाब देते हुए सांसद ने कहा कि इनेलो नेता को ऐसे बयान देने से पहले अपनी सरकार में चिकित्सा सेवाओं की क्या स्थिति थी, उस बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, जब मरीजों को सरकारी अस्पतालों में दवाइयों के लिए भी बाहर भटकना पड़ता था। कि उनके कार्यकाल में, चाहे कांग्रेस का कार्यकाल रहा है, हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर पर्ची के ऊपर दवाई लिखते थे और लोगों को, मरीजों को वो दवाई बाहर से महंगे दामों के ऊपर लेनी पड़ती थी, परंतु इन 6 वर्षों के अंदर मनोहर लाल जी के कार्यकाल में एक भी दवाई मरीज को वो बाहर से नहीं लेनी पड़ती, सारी की सारी दवाई उसको फ्री में वो हॉस्पिटल के अंदर उपलब्ध होती है। इतना बड़ा मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल हेल्थ के मामले के अंदर वो मनोहर लाल जी के नेतृत्व में खड़ा किया है, उसको देखना चाहिए, कि अंतर भी देखना चाहिए कि हमारी सरकारों में क्या था, आज की सरकारों में क्या है, ऐसे झूठ मत बोलना चाहिए। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइफ हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइफ हरियाणा पेज को लाइक करें।